कोरोना का प्रकोप देश में किस तरह से फैला है, लाशों का अंबार, अस्पतालों में वेटिंग की लंबी कतारें, शमशान और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ जाने तक की नौबत से सब कुछ स्पष्ट है। यही नहीं, नदियों में भी शव प्रवाहित कर देने की तस्वीरों ने देश को झकझोर कर रख दिया है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप बेचैन हो उठेंगे। दरअसल में जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के महिमापुर गांव में कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर इसलिए हवन पूजन किया जा रहा है क्योंकि जिस शख्स के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है वो इस महामारी को भगवती का प्रकोप मानता है। लिहाजा वैक्सीनेशन को नहीं हवन पूजन को महत्व दिया जा रहा है। आयोजनकर्ता सामू भगत का क्या कुछ कहना है, सुनिए पूरी रिपोर्ट। भगवती का प्रकोप, किस चीज का पूजा दिला रहे हैं आप? ये पूरे गांव में जो बीमारी चल रही है शांति भरी, और गांव को महामारी से बचाने के लिए आप महामारी भी बचेगी और शांति सबसे धार। कई दिन के बाद तो कोई घटना है, शांति चल रहा है। आज कई दिन है कई समाधि में। आपका क्या नाम है? सामू भगत। सामू भगत, ऐसे में अंधविश्वास में पड़े लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को किस तरह से तार तार कर दिया, ये जाहिर तौर पर यहाँ जलाभिषेक कर रही महिलाएं या ढोल नगाड़ों के साथ जो हवन पूजन चल रहा है इससे स्पष्ट हो जाता है। न किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है, न ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का जरा सा ख्याल है। दो गज की दूरी तो भूल जाइए जनाब, सैकड़ों लोगों के बीच इंच भर का फासला तक नहीं है। ये तस्वीरें वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। पूरे मामले को लेकर डीएम मनीष वर्मा और कप्तान राजकरण नैयर को भनक तक नहीं है, जबकि नियमों की धज्जियां 21 दिन से लगातार उड़ाई जा रही हैं। एनबीसी हिंदी ने इस संबंध में जिलाधिकारी जौनपुर मनीष वर्मा से पूछताछ की तो डीएम साहब ने बताया कि हम पता करते हैं मामला क्या है। दिल्ली से एनबीसी हिंदी से बोल रहा हूँ, मयंक तिवारी। सर, आपके यहाँ एक क्षेत्र है जलालपुर, और वहाँ की एक खबर हमारे पास आई है कि उसमें जो है कोरोना को लेकर यज्ञ हवन पूजन चल रहा है 21 दिन से, और सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को कोई ख्याल नहीं है। भारी संख्या में वहाँ महिला पुरुष सब इकट्ठा हो रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं, न किसी के चेहरे पे मास्क है, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। और लोगों का वहाँ पे एक सामू भगत है जिसके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हो रहा है, वो कह रहा है कि जब से जलाभिषेक शुरू हुआ तब से कोई दिक्कत नहीं है और सारा मामला सही चल रहा है। तो ये तो बड़ी लापरवाही है, अभी तक प्रशासन को इस मामले की शायद जानकारी है या नहीं ये भी कुछ नहीं कंफर्म, किसी अधिकारी की भी कोई बाइट नहीं आई है हमारे पास। हम इसको दिखवाते हैं क्या है मामला, ठीक है? ठीक। यानी महामारी को कितनी बड़ी त्रासदी में तब्दील किया जा रहा है, और डीएम मनीष वर्मा और कप्तान राजकरण नैयर समेत जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी कान में तेल डालकर सो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि महामारी जब बड़ी त्रासदी में तब्दील हो जाएगी तो इसका दोषी किसे माना जाएगा, अंधविश्वास में पड़े लोगों को या निद्रा मग्न जिम्मेदार अधिकारियों को? आखिर अब तक संबंधित मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस तरह की गतिविधियों से इतना तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कोरोना से निपटने को लेकर मीटिंग पर मीटिंग कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात टीम 11 से कोरोना के रोकथाम के लिए मंथन करते रहें, इन चीजों का ग्राउंड जीरो पर तब तक असर नहीं होने वाला है जब तक जिम्मेदार अधिकारियों की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटेगी। कोरोना से लेकर देश दुनिया की हर बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।